अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, छोटी सी टाक लेकर उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, रमज़ान आने वाला है, उसकी पेश की मुबारकबाद कबूल कीजिए। अल्लाह ताला आपको रहमतें बरकतें समेटने और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, रमज़ान की आमद में तो कोई शक नहीं, हम ये कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन किस दिन आएगा ये फ़ैसला करना अभी बाकी है। सोमवार को या मंगल को, 6 तारीख होगी, 7 मई होगी, ये अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। क्योंकि ये चाँद की शहादत पर मौकूफ़ होता है, इसलिए फ़ैसला भी तो नहीं हुआ। और ये देखने के लिए हमारे यहाँ एक रुएते हलाल कमेटी पाई जाती है, जिसके सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। हम समझते हैं कमेटी बिल्कुल ठीक काम करती है और शहादत इकट्ठी करने की कोशिश करती है, और जब उसको शहादत मिलती है उसी के मुताबिक वो फ़ैसला करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का 2 घंटे का फ़र्क है, यानी जब पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर 7 बजे होते हैं तो सऊदी अरब में से शाम के 5 होते हैं, यानी पाकिस्तान में सूरज सऊदी अरब से 2 घंटे पहले ग़ुरूब होता है। तो ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि हमें जो शहादत है वो पहले मौसूल हो जाए और हम टाइम से फ़ैसला कर लें? हर साल हमारा रमज़ान का आगाज़ जो है तकरीबन तखीर से होता है, 1 दिन की तखीर से होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमारा आगाज़ जो है सऊदी अरब के साथ हुआ था। ईद तो हमारी बड़ी बार जो है वो सऊदी अरब से मैच की है, यानी हमारे 29 रोज़े हुए हैं और सऊदी अरब के 30। लेकिन आगाज़ रमज़ान बहुत रेयर यानी नायाब एक वाक़िया होता है जब हमारा 1 दिन आगाज़ होता है। दोस्तों, हम समझते हैं कि हलाल कमेटी पूरी नेक नीति से काम करती है, पूरी ईमानदारी से काम करती है, तो फिर फ़र्क आखिर कहाँ आ जाता है जिस वजह से हम जो हैं वो बर वक्त फ़ैसला नहीं कर सकते? दोस्तों, मेरी राय में इस गवाही का जो तरीक़ेकार, गवाही इकट्ठी करने का तरीक़ेकार है, उसमें कोई थोड़ी तब्दीली, उसमें यानी उसको अपडेट करने की, एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा, इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं। गवाही के तरीके में जिद्दत थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी लोगों को इन्वॉल्व करके आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। जो उनका पहले तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक चलते रहें, ये पहला स्टेप है जी। यूनियन काउंसिल लेवल पे, यानी अगर कोई शख्स शहादत देखता है तो वो यानी यूनियन काउंसिल पे जो चेयरमैन है उसको मुत्तले कर सकता है। यूनियन काउंसिल यानी बल्दियाती निज़ाम जो हमारे यहाँ मौजूद है, जो जब वो चेयरमैन को इतला करे तो चेयरमैन अपने तौर पे उसकी तसल्ली करे। अगर वो समझे कि उसकी तसल्ली हो जाए कि आदमी मुतबर है और गवाही जो है वो इस काबिल है कि इसको यानी माना जाए, तो वो अपने तौर पे अपनी अथेंटिसिटी पे वो ऊपर भेज सकता है, सूबाई लेवल पे, मरकजी लेवल पे, या रुएते हिलाल कमेटी से बराह रास्त रब्ता कर सकता है। दूसरा पॉइंट जो मेरा पसंदीदा है, मेरी राय के मुताबिक बेहतरीन है, वो कमेटी से बराह रास्त रब्ता है थ्रू व्हाट्सएप वीडियो के, यानी कमेटी एक डायरेक्ट नंबर जो है वो लोगों को बता दे, व्हाट्सएप नंबर। अब अगर कोई चांद की शहादत देखता है तो उसकी वीडियो बना ले, तो आपको अगर पता हो मगरब के बाद थोड़ी देर के लिए वो नज़र आता है, अगर कोई देखता है उसकी वीडियो बना ले, और साथ में अपनी उसकी वीडियो हो, अपने एक वाइफ दे, अपना नाम, शिनाख्ती कार्ड नंबर, रबता नंबर, अपनी लोकेशन, ये सब चीज़ें उसमें ऐड करके कमेटी को बराह रास्त भेज दे। दोस्तों, एक बात की मैं वजाहत करता चलूं कि साइंसी कैलेंडर के हवाले से कि आखिर चांद देखना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इस्लाम साइंस के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रोज़ा रखने से पहले जो है वो चांद को देखना लाजमी है, इसलिए हम हदीस पे अमल करते हैं। इसमें क्या मसलहत है ये वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। अब इस चीज़ के फ़ायदे पे आ सकते हैं, जब आपको इस तरह बर वक्त इतला मिलेगी तो बर वक्त फ़ैसला करना जो है वो मुमकिन होगा। कमेटी यानी रियल टाइम में उसका फ़ैसला कर सकती है कि भई ये गवाही मोतबर है नहीं मोतबर, और उस बेस के ऊपर जो है वो टाइम से लोगों को पता चल सकता है कि रमज़ान का आगाज़ हुआ है या नहीं हुआ, या जैसे ईद देखने का होता है रमज़ान के एंड पे। दूसरा इसका फ़ायदा होगा इज्तमाही शऊर का, पब्लिक पार्टिसिपेशन जब होगी, लोगों को इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, तो लोगों में ये दिलचस्पी तहरुक पैदा होगा और इस तरह एक इज्तमाही शऊर पैदा होगा। इस तरह के पूरे साल के ऊपर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इस्लामी कैलेंडर जो है 12 महीने का, उसको हर महीने आप उसमें ये चीज़ शामिल कर सकते हैं, सिर्फ इसको रमज़ान तक महदूद ना रखें। इस तरह लोगों में इस्लामी कैलेंडर के हवाले से भी शऊर पैदा होगा, दिलचस्पी पैदा होगी, और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो उनको महसूस होगा कि चाँद देखने में उनका भी कोई रोल है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अगर गलत गवाही का जो सदेबाब कैसे किया जाए, कि लोग शरारत कर सकते हैं, कोई गलत वीडियो बना के भेज सकता है, उसके लिए तो जी पहली चीज़ है वीडियो प्रॉपर्टीज़, यानी जो वीडियो मौसूल हो उसमें आप देख सकते हैं कि वीडियो किस वक्त काट की गई है, उसकी लोकेशन वगैरह, एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है विटनेसेस इन वीडियो, यानी गवाहों का उसमें शामिल उनको किया जाना। आप 2 गवाह शामिल कर सकते हैं, नहीं वीडियो बना लेना, अगर 2 गवाह उसके साथ हों, बमा वाइफ के
वो भी लाइक बयान हल्फी दें कि भाई उन्होंने वाकई शहादत जो है वो देखी है और उस शख्स की भी वो गवाही देते हैं कि वो आदमी काबिल एतबार है, तो ये चीज़ भी उसके यानी सदेबाब में गलत तलाक के सदेबाब में मुआमन साबित हो सकती है। तीसरी चीज़ है कॉन्टैक्ट टू कन्फर्म, यानी कमेटी बराह रास्त रब्ता उस शख्स के साथ करे। बहुत आसान है व्हाट्सएप वीडियो, ईमो वीडियो, स्काइप के थ्रू। हम जानते हैं कि पीटीबी हेडक्वार्टर में कमेटी उस वक्त बैठी होती है और रियल टाइम उस वक्त उन्होंने फैसला करना होता है, तो उनका रब्ता उस वक्त उस शख्स के साथ उस्तवार किया जा सकता है और वो अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि आखिर ये जो शख्स बात कर रहा है वाकई काबिल एतबार है कि नहीं। आपको पता है पेशावर में हर साल ये मसला पैदा होता है, उनको चांद नज़र आता है और वो इस चीज़ के ऊपर इसरार करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि उनको चांद नज़र आया है। इस हवाले से भी पेशरफ्त हो सकती है कि आप उनको इस तरह जो है इस चीज़ में शामिल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फिर भी अगर चांस हो कि भाई कोई गलत गवाही मिलेगी या कोई यानी कि शरारत का, तो दोस्तों आखिरी फैसला जो है वो कमेटी नहीं करना है। अगर कोई शरारत करेगा भी तो कमेटी फैसला करेगी, कमेटी अगर उसको ठीक नहीं समझेगी तो उस शहादत को या उस जो वीडियो है उसको वो रद्द कर सकती है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ भी है कि आपने कहीं ना कहीं तो शुरू करना होता है, कोई भी नई चीज़ जब आप शुरू करते हैं तो उसमें मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए किसी नई चीज़ को या किसी इनोवेशन को आप इसलिए तो नहीं छोड़ सकते कि भाई उसमें मसाइल पैदा होंगे। शुरू में मसाइल आ सकते हैं लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें शोर भी आता जाएगा लोगों में और बेहतरी पैदा होती जाएगी। अब वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे जो हमने साइंसी कैलेंडर के हवाले से बात की, क्या हम उसको क्यों फॉलो नहीं करना चाहते, उसमें क्या मसलियत है। दोस्तों हर साल जब रमज़ान का आगाज़ होता है ये पूरी एक मोटिवेशन एक तहरीक होती है कि चांद देखा जा रहा है, चांद नज़र आया नहीं नज़र आया। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान के एंड पे भी एक चीज़ होती है कि चांद नज़र आया, कल ईद होगी या नहीं होगी। ये एक मोटिवेशन है, किस्म का तहरुक जो है लोगों में पैदा होता है। अगर पहले से ही पता हो कि फ़लां दिन जो रमज़ान का आगाज़ होगा और फ़लां दिन ईद होगी तो शायद उस तरह की गर्म जोशी उसमें पैदा ना हो सके। शुरू में रमज़ान के और रमज़ान के अख्ताम पे भी ये चीज़ लोगों में एक तहरुक सा एक तहरीक पैदा करती है। शायद इसीलिए शरीयत का तकाजा ये है कि चांद देखा जाए और इज्तमाही तौर पर एक जो है वो मिलजुल कर कोशिश की जाए। तो दोस्तों ये मेरी सारी राय थी और ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस सिलसिले में, आपकी अगर कोई राय हो आप मुझसे इत्तफाक करते हैं इख्तलाफ करते हैं जो भी, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी राय पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट से अपनी राय से ज़रूर उसका अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, अपनी राय से हमें मुत्तले कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।